ਖੇਤੀ ਮੈਂ ਦੋਤੀ ਹੂੰ ਯੇ ਆਪਣੀ ਰਸਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਜੀ ਉਨਕੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਰਨੇ ਅਕਬਰ हाँ वृद्धाश्रम में जो नहर के पास बाएं हाथ पे है अरे सब कुछ छोड़ दो लेकिन उसे ले जाओ ये पहली तो बात ये छापेमारी नहीं है मैं यहाँ पे एक औचक निरीक्षण के लिए आई थी जानकारी में ऐसी कोई यहाँ पे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम में ऐसा कुछ नहीं था मुझे एक बार विजिट करना था मेरे मन में था कि मैं सभी वृद्धाश्रमों में जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी वहाँ विजिट करूँगी तो जस्ट एक सरप्राइज विजिट था जब मैं आई तो मुझे इस भवन का किराया पता लगा 90,000 के करीब है लेकिन जैसे इस भवन की स्थिति है और यहाँ पे वृद्ध लोग रहते हैं तो उस पर मेरी थोड़ी आपत्ति थी जब मैंने पूरी तरीके से निरीक्षण किया तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो खामियाँ बड़ी हैं पहला तो ये यहाँ पे जितने लोगों का डाटा पाया गया है वो लोग यहाँ पे रहते ही नहीं हैं दूसरा ये किचन के अंदर जितना भी खाने पीने का सामान है वो बिल्कुल ख़राब है तीसरा ये इन लोगों को सुबह से सिर्फ चाय और 2 रुपए का बिस्किट का पैकेट मिला है मेन्यू में मेंशन है कि इनको दाल रोटी सब्जी दही सलाद सब मिलता है ऐसा कुछ नहीं है इन लोगों ने बताया कि सब्जी कभी कभार मिलती है और एक ही प्रकार की दाल बनती है तो इन्होंने दोपहर का जो भोजन है दाल रोटी और सब्जी दाल रोटी और चावल का किया है दूध कभी इन्हें मिला नहीं किसी प्रकार का फल इन्हें मिलता नहीं है एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह यहाँ 7-8 एम्प्लॉय हैं किसी को 5,000 किसी को 7,000 किसी को 10,000 किसी को 20,000 लाख रुपए से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की सैलरी है जिसके ऊपर मेरी आपत्ति है खाना पीना तो की व्यवस्था पे 0 आरओ लगा हुआ है कोई भी यहाँ पे मटका नहीं है बाल्टी नहीं है किसी के माध्यम से कि पानी जिसमें भरा जाए किसी की टांग टूटी हुई है यहाँ पे विकलांग लोग भी है सब लोग कपड़े अपने धोते हैं सब ने अपना बताया है किसी भी प्रकार की जो व्यवस्था है मैम शराब की बोतलें भी पड़ी हैं देखिए भाई साहब शराब की जो बोतलें हैं यहाँ पे 4 लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है कि हम भिक्षा मांगने के लिए यहाँ से बाहर जाते हैं वो दारू भी पीते हैं पवे मिले हैं बाहर प्रांगण में मिले हैं आश्रम प्रांगण में मिले हैं प्रांगण के पीछे दारू ही दारू के खाली दारू के आश्रम में यहाँ पर डॉक्टर की सुविधा भी नहीं है यहाँ किसी प्रकार का डॉक्टर आज तक विजिट करने के लिए आया नहीं है इन लोगों का बताना है कि हम लोग अगर किसी प्रकार के पेन में होते हैं दुख में होते हैं या बीमारी में होते हैं तो हम जब जाते हैं तो अपना पैसा खुद देते हैं किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं अच्छा मैम